अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असेंबली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने जरूरी हैं। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, अलबत्ता मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताखीर कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इंतखाबात 1 से 2 माह में हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई नई हल्का बंदियां नहीं हो रही। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक उनका कहना था कि नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल जरूर आएंगे। तारीख का अमीर आजादी की अलामत हुसन का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।